हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया। वेलकम टू आवर चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 2+3 साइन एक्स होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आप मेनली इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखते हैं तो आप उसके फॉर्मेट को देखते हैं एंड इंटीग्रेशन के मेथड्स के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन तो ये बहुत ही लेंदी होगा एंड हो सकता है कि आपको सोल्यूशन ना मिले। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच अपनाना होता है, एंड वो अप्रोच क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप देखें किस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर सबसे पहले आपको एक फंक्शन अज्यूम करना होता है, एंड वो फंक्शन आप यहाँ पे अज्यूम करेंगे cos x बाई 2+3 साइन एक्स। तो फिर सबसे पहले तो आप यही सोचेंगे कि फंक्शन आप यही क्यों अज्यूम करें, cos x बाई 2+3 साइन एक्स है क्यों, sin x बाई 2+3 साइन एक्स क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले बताया आपको कि ये आपको एक अलग अप्रोच है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के सोल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे, एंड तब आपको समझ में आएगा कि आपने फंक्शन यही क्यों अज्यूम किया है। तो सबसे पहले फिर से अगर आप इसके डिफ्रेंसिएशन को देखें तो आप इसको डिफ्रेंसिएट करें डी एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको आप डिफ्रेंसिएट करेंगे 2+3 साइन एक्स का होल स्क्वायर, 2+3 साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन कॉस एक्स, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट इज 3 कॉस एक्स। तो बस यहां पे आपको जो आएगा वो आएगा -2 साइन एक्स +3 बाई 2+3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो फिर आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि आखिर मैंने क्यों उस फंक्शन को अज्यूम किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पावर 1 लेते हैं तो आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे पावर 2 मिलता है, जो आपके क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे साइन एक्स का कोफिशियंट 3 है और यहाँ न्यूमरेटर में साइन एक्स का कोफिशियंट 2 है, तो आपको यहाँ पे इसके कोफिशियंट को 3 बनाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां से -2/3 कॉमन ले लें, -2/3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां आपके पास बचेगा 3 साइन एक्स, और यहां पे फ्रेंड्स बचेगा 9/4। तो आपको 9/4 को स्प्लिट करना है क्योंकि यहां पे 2 है, तो आप इसको 2+5/2 लिखेंगे तो इट विल बिकम 9/2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें तो आप इसको 2+5/2 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप इसलिए किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2+3 साइन एक्स है, तो आपको न्यूमिनेटर में भी एक टर्न 2+3 साइन एक्स का होना चाहिए, एंड अगर अदर कांस्टेंट आपके पास जो बचता है वो 5/2, एंड डिनोमिनेटर में है 2+3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब आप डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स जो आपको मिला वो मिला -2/3। आप इसको एक टर्म अगर अज्यूम करते हैं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास नीचे पावर आएगा 2+3 साइन एक्स का पावर 1 माइनस दिस विल बिकम 5/3 एंड 2+3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है, एंड ये अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आई जो आपको निकालना है। तो फिर इस टर्म को आप इधर भेजें, 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2+3 साइन एक्स का होल स्क्वायर जो आपको निकालना है, -2/3 2+3 साइन एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये आपका आई है, अगर आपने यहाँ पे इसको आई एज्यूम किया है तो इट विल बिकम 5/3 आई इज इक्वल टू -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई
2 plus 3 sin x minus, it will give f of x, and that f of x you have assumed is cos x by 2 plus 3 sin x. तो फ्रेंड्स यहां से अब i निकालेंगे तो ये आएगा minus 2 by 5 integration of dx by 2 plus 3 sin x minus 3 by 5 cos x by 2 plus 3 sin x. तो फिर देख रहे हैं यहां आपका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी हो गया. अगर आप इसको यहां पे अगर आप इंटीग्रेट करते हैं dx by 2 plus 3 sin x, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है. आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग दिस sin x इनटू द हाफ फार्मूला tan x by 2. तो यहां से आपको इसका इंटीग्रेशन सिंपली मिल जाएगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे फंक्शन अज्यूम कर रहे हैं. तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और फंक्शन अज्यूम करके देखें कि आखिर कौन से फंक्शन अज्यूम करने से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स आई होप कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे.